शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का अंतिम संस्कार आज। नरसिंहपुर के आश्रम में ही दी जाएगी भू समाधि। जाने किसे दी जाती है भू समाधि और क्या होती है इसकी प्रक्रिया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि वो शीर्ष साधु संत थे, लिहाजा हिंदू परंपरा के मुताबिक उन्हें भू समाधि दी जाएगी। आपको बता दें, रविवार को मध्य प्रदेश में स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया था। वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित ज्योतेश्वर के परमहंसी गंगाश्रम में ही निवास करते थे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का अंतिम संस्कार आज इसी आश्रम में किया जाएगा। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को देश के विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल से स्नान करवाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रात भर ये क्रिया चलती रही। वहीं अंतिम दर्शन और समाधि कार्यक्रम में शामिल होने उनके शिष्यों और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी रात भर जारी रहा। अब आज शाम 5 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में विधि विधान से उन्हें समाधि दे दी जाएगी। काशी और ऋषिकेश के विद्वान भी पहुंचे हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर को ज्योतिश्वर के मणिद्वीप आश्रम से भगवती मंदिर के नीचे गंगा कुंड तक ले जाया गया था। महाराज श्री को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। राम धुन और कीर्तन के बाद रात भर देश के पवित्र तीर्थों के जल से पार्थिव शरीर को स्नान करवाया गया। परमहंसी गंगा आश्रम के स्वामी अचलानंद के मुताबिक स्वामी जी के पार्थिव शरीर को आश्रम की परिक्रमा करवाई जाएगी और इसके बाद संत परंपरा के मुताबिक ही पूजन अर्चन का कार्यक्रम शुरू होगा। विधि विधान से पार्थिव देह को समाधि स्थल ले जाया जाएगा। आश्रम प्रबंधन ने समाधि कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस दौरान देश भर से सैकड़ों संत मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि महाराज श्री के इस समाधि कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए काशी विश्वनाथ से विद्वान आचार्य पुरोहित भी पहुंचे हैं। परमहंसी गंगा आश्रम के शास्त्री रविशंकर महाराज के सानिध्य में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को भू समाधि दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे स्वामी स्वरूपानंद को भू समाधि दी जाएगी। पौराणिक काल से संत महात्माओं ऋषि मुनियों का समाधि परंपरा का बड़ा इतिहास रहा है। धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों में भी समाधि का जिक्र किया गया है। ध्यान साधना तपस्या की शक्ति ईश्वर के समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस शक्ति को प्राकृतिक रूप में मुक्त होने दिया जाता है। जानकार बताते हैं कि शैव नाथ दशनामी अघोर और शाक्त परंपरा के साधु सन्यासी संतों को भू समाधि दी जाती है। इसमें पद्मासन सिद्धि आसन की मुद्रा में बिठा कर जमीन में दफनाया जाता है। गुरु की समाधि के नजदीक या मठ आश्रम में ही संतों को समाधि देने की परंपरा है। इसी तरह शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को भी उनकी संत परंपरा के हिसाब से ही आश्रम में भू समाधि दी जाएगी। साधुओं और संतों को ध्यान और समाधि की स्थिति में बिठाकर भू समाधि देने की वजह ये भी है कि साधु संतों का शरीर ध्यान आदि से खास ऊर्जा से युक्त रहता है, इसलिए भू समाधि देने पर उनके शरीर को प्राकृतिक तौर पर प्रकृति में मिलने दिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।